जो वेदों में वर्णन है उस चिकित्सा से 40% आराम लगेगा, आशीर्वाद है। इतना परेशान इन परिजनों ने किया, उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। बागेश्वर धाम से भक्त कहां लापता हो जाते हैं। बड़े भाई हैं लालन कुमार, वो घूम गए हैं तो उन्हीं को ढूंढने में आया। बागेश्वर धाम गए थे, वहां गए और परिक्रमा लगाते समय जो है आगे पीछे हो गए तो खो गई। बाबा के धाम से श्रद्धालुओं को कौन गायब कर देता है? वो कौन है जो बागेश्वर धाम के भक्तों पर बुरी नजर रखता है? बागेश्वर धाम पहुंचने वाले कई श्रद्धालु अचानक कहां गुम हो जाते हैं? सन्यासी बाबा की सेना श्रद्धालुओं की रक्षा क्यों नहीं कर पाती है? रहस्यों को सुलझाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के धाम से गुमशुदा हुए लोग आखिर पहेली क्यों बने हुए हैं? पूरे साल बागेश्वर धाम में आस्था का महाकुंभ लगा रहता है। बालाजी महाराज की। बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए हजारों लोगों की भीड़ हर दिन गढ़ा गांव के बागेश्वर धाम पहुंचती है। जतन के बाद लोग बालाजी का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं, घर लौट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बागेश्वर धाम से अपने घर नहीं लौटे। ये तस्वीर उन्हीं लापता लोगों में से एक ललन कुमार की। धाम की महिमा सुनकर दरभंगा के ललन कुमार 6 फरवरी 2023 को बागेश्वर धाम पहुंचे थे। ललन कुमार ने धाम पहुंचकर घर वालों से बात की, घर वालों को बताया कि उन्हें धाम के दर्शन हो गए हैं। लेकिन उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। ललन को तलाशने घर वाले बागेश्वर धाम पहुंच गए। ये 6 तारीख मॉर्निंग से बात हुई थी, उसके बाद से उनका 3 घंटे बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उनके बाद से कोई कनेक्ट नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ ललन कुमार की नहीं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक बागेश्वर धाम से 21 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस अब तक 9 लोगों को तलाश कर पाई है। बागेश्वर धाम पहुंचकर लापता होने वालों में महिला और पुरुष दोनों हैं। बागेश्वर धाम पहुंचकर लापता होने वालों की लिस्ट में चित्रकूट के दुर्गा प्रसाद की पत्नी भी शामिल है। दुर्गा प्रसाद बताते हैं कि परिक्रमा करते वक्त उनकी पत्नी गायब हो गई। हम जो है वहाँ पुलिस को दिया पूरा पता अपना, तो वो जो है नहीं कहा, अभी हम अलाउंस करवा रहे हैं, नहीं करवाएं। सवेरे महाराज जी के पास जो है बिहान में मिले, तो वो कहा कि बेटा जो है हमारी भतीजी थी, कहा रो नहीं, उसका पता आ गया है, फोटो आ गई, हम आधा घंटा बाद बता देंगे। इसके बाद वो आधा घंटा बाद जब वो गई तब जाने लगी तो उसके कर्मचारी पुलिस वाले ना। इस साल गायब होने वाले 12 लोगों को अब भी पुलिस तलाश नहीं पाई। 20 साल की रवीना अहिरवार 1 मई से लापता है। सागर के अशोकपुरी 8 जनवरी से गुम है। रायसेन की हल्की बाई 2 फरवरी से लापता है। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस इन लोगों को तलाश नहीं पाई। सवाल यह है कि आखिर ये लोग कहां चले गए? बागेश्वर धाम से भक्तों के लापता होने के पीछे का राज क्या है? पुलिस ने जब लापता हुए लोगों के बैकग्राउंड की डिटेल जांच की तो इस राज से पर्दा उठा। बागेश्वर धाम पहुंचकर गायब होने वाले लोगों की पहेली की हर गुत्थी सुलझती हुई दिखी। पुलिस की जांच के मुताबिक बागेश्वर धाम से लापता लोगों में से ज्यादातर वो लोग हैं जो मानसिक तौर पर कमजोर हैं। ऐसे लोग अक्सर भीड़भाड़ में अपनों से दूर हो जाते हैं और कहीं खो जाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस ऐसे कई बीमार लोगों को तलाश लेती है तो परेशानी ये होती है कि उन्हें घर तक कैसे पहुंचाया जाए। कई बार ऐसे लोगों को घर पहुंचाया जाता है तो घर वाले उन्हें अपनाने से इनकार भी कर देते हैं।